MUD मड, मड यानी होता है कीचड़, कीचड़ को इंग्लिश में कहेंगे मड। अब मेरे से प्रॉमिस करो कीचड़ को आप कभी कीचड़ नहीं कहोगे, क्या कहोगे? मड, है ना फ्रेंड्स। एक एक वर्ड को आप इंग्लिश करते जाओ तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। मैं नहीं कहता पूरी इंग्लिश आपको कहनी है, मैं बस इतना कहता हूं हमारी कम्युनिकेशन बेस्ट होनी चाहिए। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इवन आफ्टर रेनिंग हियर इज नो मड इन दिस सिटी, बहुत सारी बारिश के बाद, बहुत सारी वर्षा के बाद यहाँ पर कोई कीचड़ नहीं है इस सिटी में, मतलब वहां सारी चीजें स्टेबल है, सारी चीजें स्टेब्लिश्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे वी यूज टू प्ले इन मड, हम क्या करते थे? कीचड़ में खेलते थे। When we were children, we used to play in mud. Third example देखिए, mud gives us an unique flower that is lotus. Mud क्या कहता है? हमें एक unique flower देता है जो कि lotus है। तो friends, यहाँ पर आते रहिए, जहाँ पर आपको मिलते हैं daily new words for your good communication with positivity and with high vibrations. चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए वर्ड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, bye bye, take care and all the very very best, love you all.